नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज, आपका होस्ट, और प्रिंटेड हिंदी में फिर से स्वागत है। और मैं ज़रूर आपके साथ हूँ, बट लोकेशन कुछ अलग अलग है, लोकेशन चेंज है। क्यों है ये बताऊँगा मैं। कुछ चीज़ें हैं जो क्वेरीज आती है, क्वेश्चन कभी हमारे बीच आ जाते हैं कि आप लोगों की कंपनी इधर एग्जिस्ट है या फिर आप लोग मतलब चीट फ्रॉड ये सब लिसन वर्ड सुनने के लिए मिलते हैं। इसीलिए कोई हमारे क्लाइंट ने बताया कि आप एक ऑफिस स्टोरी करवा दीजिए, ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, ये सजेशन है उनका कि सर ऐसे जिसका क्वेश्चन आता है उनको ऑफिस स्टोर करवा दीजिए तो बेटर रहेगा। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, ये बताना चाहूँगा। उसी के हिसाब से मैं आज आपका ऑफिस टूर करवाऊँगा कि हम लोग का ऑफिस यहाँ पे जो है वो कैसा है, क्या क्या सामान हम रखते हैं, कैसा सेटअप है। इसके बाद छोटा एक वीडियो आपको देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा इसके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं हम। ये जो मैं खड़ा हूँ ये मेन एंट्रेंस है, ये जो देख रहे हैं ये स्टेयर्स है, सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर आना है, सेकेंड फ्लोर पे है ये। सेकेंड फ्लोर पे आने के बाद आप देखेंगे तो मैं जिधर घूम रहा हूँ राइट साइड में आपको एंट्रेंस मिलेगा, फ्रंट साइड का ग्लास फ्लोर मिलेगा। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपका बाहर का ये मिलेगा, व्यू मिलेगा। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। और शायद आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रिंटेड का लोगो आपको दिख रहा है और बाहर का व्यू है ये। सामने अर्बन सी है, ये फर्स्ट फ्लोर में आपको जिम दिख रहा है और सेकेंड फ्लोर में जो है हम लोग का प्रिंटेड। और लेफ्ट में आप देखेंगे तो स्ट्रेट अवे जाता है कर्नल का एक शॉप है। और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जस्ट हम लोग का बगल में एक HDFC बिल्डिंग है और सीधे अवे स्ट्रेट अवे हाईवे जाता है। तो चलते हैं ऑफिस के अंदर अभी और आपको टूर करवाते हैं ऑफिस का, एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो ये था हम लोगों का एंट्रेंस। ये एंट्रेंस होते ही आपको राइट हैंड साइड में आपको एकदम मिलेगा यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने के लिए मीटर मिलता है। और फॉर सेफ्टी पर्पस ये आज हम लगा लेते हैं अभी, और सबके सेफ्टी के लिए। और आप लोग ये बोलते हैं कि सैनिटाइजर यूज करें। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कुछ पेड़ हैं ताकि मतलब ग्रीनरी को करे को ग्रीन। और वेटिंग लॉन्च है ये एकदम सामने ही, आप ग्लास पे दिख रहा है प्रिंटेड का लोगो जो एकदम फ्रंट पे है। और ये वेटिंग लॉन्च है, सारे जितने विजिटर्स हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं उनका कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे कि आराम से आके बात कर सके, थोड़ा कम्फर्टेबल हो पाए। और अगर हम आगे बढ़े इस तरफ में तो इधर में भी एक रेड वॉल क्रिएट किया गया जो कि ब्रांड कलर है प्रिंट राइट का, उसके ऊपर वाइट कलर का प्रिंट राइट लोगो इस पे पेस्ट किया गया है। और ये वॉल पर्सनली मुझे ये वॉल बहुत अच्छा लगता है। और आगे अगर निकले तो हम मेरे सामने ही आपको मिलेगा ये 4-color 1-station हैवी ड्यूटी मशीन, जो इसके वीडियो डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया हुआ है, हमारे चैनल पे है। आप अगर जानना है तो प्लीज़ जाके लिंक पे क्लिक करके देखिए वीडियोस को, अगर डिटेल में जाननी है तो ये 4-color 1-station का वीडियो है, हैवी ड्यूटी। लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा रेड वॉल आता है, दीवार आता है जिसपे कुछ आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। ये फ्रेम्स है पूरा सर्टिफिकेट्स जितने हम लोग के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, लेबर, GST, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सर्टिफिकेट्स हैं हायर लेवल में, बहुत ज़्यादा सब पता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हम लोग के पास अवेलेबल है। और अगर हम दो कदम चल के अपने सामने तरफ आए राइट हैंड साइड तो आपको एक और मशीन मिल जाएगी जो कि है 4-color 2-station। और जैसे लास्ट वाला था 4-color 1 का वो हैवी ड्यूटी, ये स्टार्टअप प्रेस है। और पर्सनली ये मशीन अगर होम बेस सेटअप के लिए, मुझे ये मशीन पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो ये मशीन, इस मशीन का भी अगर ज़्यादा कुछ जानना है, ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको लिंक दिया जाएगा वीडियो के नीचे, तो जाके क्लिक करके देख लीजिए। इधर सारा का सारा वीडियो यूट्यूब में है, चैनल में है, आप जाके देख लीजिए डिटेल में जानना हो तो। इसी तरह हम थोड़ा सा बायां और चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो चलने के बाद मुझे एकदम राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगा जो मशीन है वो है प्रो मास्टर, 6-color 6 का प्रो मास्टर का फुल सेटअप मिलेगा आपको यहाँ पे।
और ये मशीन जो है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ये मशीन कमर्शियल मशीन है, जो कमर्शियल में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर मशीन हो साबित हो चुका है आज के डेट पे, क्योंकि ये इतना प्रोडक्शन इतना हाई होता है इसका, बहुत ही अच्छा होता है इसका, और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ मतलब A to Z इसका बहुत ही अच्छा है। तो मशीन के बारे में अगर जानना हो तो वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, इस मशीन का वीडियो, डिटेल वीडियो, उस पर जाके क्लिक कीजिए। आप नोटिफिकेशन बार को, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिटेल में अपलोड करूँगा ताकि आपको पता रहे। तो अगर हम धीरे धीरे और थोड़ा आगे जाते हैं तो मुझे हैवी ड्यूटी का सेटअप मिलता है, हैवी ड्यूटी का सेटअप मिलता है जो कि 4 कलर 4 स्टेशन का है। तो ये जो सीरीज है ये प्रो राइडर सीरीज में आता है प्रिंट राइड के। तो ये सीरीज सबसे इफेक्टिव साबित हो चुका है ऑनलाइन सेलर्स के लिए, क्योंकि जो बल्क सेलिंग नहीं करते हैं, एक सेम डिज़ाइन का कुछ मतलब लिमिटेड 10-20 पीसेस का करते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है, और स्पेस भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है इसका, ताकि आप सिटी वेस्ट कहीं शॉप में या फिर होम घर पे आप इसको लेके आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और एकदम इस पे देख रहे हैं ये जो है ड्रायर, फ्लैश ड्रायर या फिर फ्लैश फ्लैशर भी बोलते हैं, तो फ्लैशर ब्लास्टर है ये प्रिंट राइट के हिसाब से। तो हम लोग का ये क्या करता है, ये ड्राई करता है, टेम्पररी ड्राई होता है, जो मतलब एक कलर से एक कलर स्विच करते हैं या फिर डबल कोट मारने से पहले एक स्विच करते हैं तो इसको ड्राई करना पड़ता है, तो ये वो काम करता है। ये इसका भी डिटेल वीडियो में पूरा दिया होगा, अलग सा वीडियो बना है, जाके देख लीजिए। और ऐसे ही अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे लेफ्ट साइड के वॉल को, तो इसमें क्या क्या है। तो जैसे बताया था कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक रेड वॉल फिर से आपको मिल रहा है, ब्रांड कलर जो है इस पे आपको दिख रहा है बहुत सारे फ्रेम्स। ये कोई सर्टिफिकेट फ्रेम नहीं है लास्ट वॉल की तरह, ये स्क्रीन प्रिंटिंग के फ्रेम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का फ्रेम है, A3 साइज, उसके बाद आपका एल्युमिनियम का आता है, वुडन का आता है, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट डिफरेंट हाइट का, सब बहुत सारे क्वालिटी फ्रेम का यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रिंट राइट में। तो सारे क्वालिटी फ्रेम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक क्वालिटी का फ्रेम है A3, ये एक अलग क्वालिटी का फ्रेम है A3, देन A4, ए लोगो इधर हमें आपको दिख रहा है पूरा का पूरा A4, A3 एल्युमिनियम का, कुछ हाइट वेट ये सब का भी बहुत कुछ है। अगर डिटेल में जानना हो तो वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है फ्रेम के बारे में, तो काइंडली जाके उसको देखिए, तब कुछ डिटेल में पता हो जाएगा। तो अगर हम यूं ही अगर चलते हैं तो एकदम राइट हैंड साइड में, जस्ट इसको क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड में एक टेबल मिलेगा, और ये जो मशीन दिख रहा है आपको ये मशीन है राउंड प्रिंटिंग मशीन, सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग मशीन, जिससे आपका राउंड बॉटल हो या फिर राउंड ऑब्जेक्ट बेसिकली, ताकि या तो वो बॉटल्स हो या फिर फूड कंटेनर्स हो, ये सारे कुछ प्रिंट करने के लिए जो मशीन रिक्वायरमेंट होती है स्क्रीन प्रिंटिंग की, वो मशीन है ये सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग मशीन या फिर राउंड प्रिंटिंग मशीन बताते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो ये अपलोड किया गया है आप लोगों की ज़्यादा जानकारी के लिए, तो काइंडली जाके वीडियो को देखें, अगर जिसको जिन जिनको ये वीडियो देखना हो, डिटेल में जानना हो उनके बारे में, उन लोगों के लिए है कि वहाँ वीडियो को चेक कीजिए, डिटेल में पता हो जाएगा। और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 4 मशीनें हैं, 4 टाइप के मशीन हैं, सिर्फ सब्लिमेशन या फिर हीट प्रेस, फ्यूजिंग मशीन, ये बहुत सारे नाम हैं इनके। तो ये चारों है, चारों टाइप, चार चार टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मशीन हैं। हीट प्रेस ही है, ये 5-in-1 कॉम्बो है, साइज है 12 इंचज़ बाई 15 इंचज़ का, जिसपे आपको कॉफ़ी मग, प्लेट, फिर आपका कैप हो जाता है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये भी आपको कॉम्बो मिलेगा, ये तीन जो देख रहे हैं ये कॉम्बो है, कॉम्बो में जितना मिलता है सारे कुछ सेम मिलते हैं, बस साइजेस का डिफरेंस है। ये 15 बाई 15 इंचज़ का साइज़ है, वो 12.5 बाई 15 इंच का साइज़ है, और ये 12 बाई 15 का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का कॉम्बो मशीन से 5-in-1 कॉम्बो आता है। और एकदम लास्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये जो मशीन दिख रहा है ये हैवी ड्यूटी मशीन आता है, A3+ साइज का, 16-24 इंचज़ का,
जिसपे ये आपको एक वारंटी वाली मिलती है, विदाउट वारंटी की मशीन आती है। डिटेल इसकी भी अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, अगर डिटेल में जानना है ये सारे मशीन के बारे में तो एक बार चेक कीजिए, लिंक दिया रहेगा, आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरे पीछे जो वॉल दिख रहा है रेड कलर का, इस पर अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे पैलेट्स नज़र आ रहे हैं। ये पैलेट्स देख रहे हैं, इतने टाइप्स के पैलेट हैं, सारे के सारे स्क्रीन प्रिंटिंग में काम आते हैं, चाहे वो गारमेंट्स के लिए हो या फिर डिफरेंट सरफेस के लिए हो, बहुत सारे हम लोग को 40-50 टाइप्स का पैलेट्स है। मुझे लगता नहीं कि इंडिया में और कोई ऐसा इतना पैलेट का वेरिएशन रखता है, हम लोग के पास इतना वेरिएशन होता है पैलेट्स का, क्योंकि आप अगर स्लीप पैलेट करें, स्लीप प्रिंट करेंगे तो उसका डिफरेंट चाहिए, कॉलर प्रिंट करेंगे डिफरेंट चाहिए, हर एक जगह के लिए ये साइड प्रिंट करेंगे डिफरेंट चाहिए, तो बहुत सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पॉकेट का है, जिपर है, कॉलर फ्रंट है, उसका टैगलेस है, कॉम्बिनेशन आया था, कॉम्बिनेशन भी आया था, आप एक पैलेट में आपको 3-4 टाइप का भी आपको मिल जाएगा, जैसे पॉकेट हो गया, टैग हो गया, स्लीव्स हो गया, इस टाइप का कॉम्बिनेशन पैलेट भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, पैलेट पे पैलेट सेगमेंट में जाके आप चेक कीजिए कितने टाइप्स के पैलेट हम लोग के पास अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि यहाँ पे दिखा दे कितने सारे पैलेट्स हैं, ये जस्ट थोड़ा सा है, इससे भी और भी पैलेट्स का अवेलेबिलिटी है हम लोग के पास, और भी मतलब ज़्यादा पैलेट्स है जो कि हम यहाँ पे नहीं सेटअप कर पाए। और ये हो गया पैलेट्स, अब देख पा रहे हैं पैलेट्स लाइब्रेरी, तो ये पैलेट्स लाइब्रेरी था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे के ऑफिस के बारे में। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अगर आते हैं तो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कुछ टी शर्ट्स लगे हुए हैं, और ये जस्ट सैंपल के रखा हुआ है, तो मैं बता दूं आपको, ये ब्लैक कलर टी शर्ट के ऊपर किया गया है, मिक्स है, फ्लोरोसेंट है और प्लास्टिसोल इंक के साथ, तीन कलर का जॉब है। नेक्स्ट रो में अगर देखेंगे तो ये वाटर बेस का प्रिंट आपको दिखेगा, थोड़ा शेड में है, और ये एक देख रहे हैं ये भी प्लास्टिसोल इंक है, प्लास्टिसोल में बनाया गया है, ये भी शेड में है। इसके अलावा और भी हम लोग का प्रिंट किया गया है इधर में, तो डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं, बाकी के और कुछ पोर्शन क्या है ऑफिस के वो बताते हैं। तो अभी हम जस्ट ऑपोजिट वे में चलते हैं, इधर में क्या है बताते हैं ऑफिस का। ये केबिन नंबर 1 है, इसको खोलते हैं, हालांकि दूसरों केबिन में घुसना नहीं चाहिए, बट आप लोगों के दिखा देता हूँ। ये एक केबिन है जो कि थोड़ा सेटअप है, जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है सारे कुछ है, और मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ पे, डेली नोट्स वगैरह किए हैं, वेरी गुड, आजकल के डेट पे भी कुछ पेपर्स पे फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है। और ये विनाइल प्रिंटिंग है, प्रिंटर वगैरह है, सब कुछ है। और नेक्स्ट केबिन में चलते हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं, नेक्स्ट केबिन क्या है, केबिन नंबर 2 को ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको केबिन नंबर 2 में क्या है। ये केबिन है, देख पा रहे हैं कुछ लैपटॉप्स हैं, चेयर्स है, स्पेसियस है, और ऑफिस में जितने भी केबिन्स है, मैं बताऊं ये केबिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमेशा चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता, एकदम हम हमेशा से ये अच्छे से रहता है और क्लीन रखते हैं, चीज़ें हमेशा एक जगह पे रहती है, तो जो भी डिसेंट है ये केबिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये केबिन। तो ये था केबिन नंबर 2, और यहाँ पे देख पा रहे हैं, जाने से पहले आपको बता दूँ ये पूजा का मूर्ति, हम लोग यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, अर्चना होता है, और प्रिंटर आपको दिख रहा है वहाँ पे, कुछ डिस्कनेक्टेड प्रिंटर है, और नीचे विनाइल पेपर्स का रैक है, विनाइल पेपर्स वहाँ पे स्टोर किया गया है, जब काम में आते एक्स्ट्रा वो वहाँ से लेके जाते हैं, देते हैं। तो चलते हैं और दूसरे केबिन्स के ओर, बाकी में क्या है देख लेते हैं। केबिन नंबर 3 ओपन करते इसको, ये केबिन देख रहे हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छे केबिन है, यहाँ भी केबिन बहुत ही अच्छे तरह से सजे धजे तरह में रहते हैं। तो ये लैपटॉप्स वगैरह देख रहे हैं, और हर केबिन के अलग अलग काम है, जैसे कि कोई केबिन सपोर्ट के लिए होता है, कोई सेल्स में है, या फिर कोई जो ट्रेनर रहता है ऑनलाइन ट्रेनिंग की सपोर्ट करने के लिए, तो वो हर एक केबिन मतलब
काम के लिए अलग केबिन दिया गया ताकि उसका प्राइवेसी मिल सके, उसको अच्छे से देख सके। तो सी एस के साथ हम दो नंबर से निकलते हैं, अभी चार नंबर में चलते हैं, केबिन नंबर 4। ये भी एक केबिन है जिसपे स्पेशल, ये एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, ट्रेनिंग का सपोर्ट के लिए, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं उन लोगों को यहाँ सपोर्ट दिया जाता है, और 24/7 का ही सपोर्ट आप बोल सकते हैं इसको दिया जाता है, और लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, ताकि किसी चीज़ से कमी ना हो। तो इसी तरह से कस्टमर को हम सपोर्ट कर पाएँ, और उसके पूरा ध्यान रखा गया है हमारी तरफ से कि हर चीज़ में ही फोकस किया जाए। तो नेक्स्ट रूम में चलते हैं, जैसे बताया ये देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग रूम, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जो वीकेंड्स में 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है एक प्रिंटर की तरफ से। तो ये है वो ट्रेनिंग रूम, जो ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी, ये है ट्रेनिंग रूम, इस रूम में ही ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह आते हुए अगर आप ये मेरा पीछे साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से आते हैं राइट पोजिशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको ये कर्टन्स मिलेंगे। इसको हटाते हैं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। वॉशिंग एरियाज में ये है वॉशिंग बोर्ड, जिसपे फ्रेम रखने के बाद वॉश करते हैं एक्सपोजिंग के बाद। ये है स्प्रेयर, जिससे आपको स्प्रे करके फ्रेम को वॉश करते हैं, ठीक है। और ये है टिप टैंक, जिसपे आपका वॉशिंग बोर्ड का वाटर जो है यहाँ पे जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, इमल्शन सेंसिटाइजर, हार्डनर, सॉफ्टनर, सब कुछ रखा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं ये जो मशीन है ये हम लोगों का ड्रायर है, स्क्रीन ड्रायर है, वो ड्रायर जो फ्लैश ड्रायर था ये स्क्रीन ड्रायर है। और आगे यहाँ पे फ्रेम्स देख का एक बल्क किया हुआ है, यहाँ पे फ्रेम्स आपको मिल जाएगा, बहुत सारे फ्रेम्स का यहाँ पे रैक किया गया है ताकि फ्रेम्स को इजीली मिल सके। और तो ये था हम लोग का वॉशिंग एरियाज। अभी मेन ट्रेनिंग रूम में अगर आते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा स्क्रीन एक्सपोजिंग मशीन, जो कि यूवी लाइट और टाइमर के साथ है। और आप सभी को पता है कि यूवी लाइट इज़ द बेस्ट लाइट टू एक्सपोज स्क्रीन्स, और साथ में एक स्क्रीन ऑलरेडी रखा हुआ है देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा आगे ही अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वैक्यूम का सिस्टम, वैक्यूम एक्सपोजिंग यूनिट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इससे ये आपका बहुत बड़ा होता है, इससे ये जैसे कि साइज का बात बताएंगे तो आपको मिल जाएगा 24/26, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मिलता है 36/40 का, तो बहुत बड़ा होता है साइज में। तो ये रेड लाइट जो देख रहे हैं मैंने अभी ऑन किया है, ये रजिस्ट्रेशन लाइट होते हैं जो नॉन एक्सपोज होते हैं, ये यूवी लाइट्स होते हैं जो कि एक्सपोजिंग लाइट होते हैं, इसको बेस्ट एक्सपोजिंग लाइट। और इससे भी ये जो एक यूवी लाइट है इससे बेटर क्वालिटी की लाइट यूज़ की जाती है वैक्यूम में, ठीक है। और ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम स्विच है, ये वैक्यूम को प्रेस करके अगर वैक्यूम करते हैं तो हो जाएगा। इसके वीडियो बहुत डिटेल में दिया गया है कैसे यूज़ करना है और क्या काम होता है इसका, तो डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हो उसको। और थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको ये डेस्क मिलेगा कि ये ट्रेनिंग डेस्क है, जिसपे आपका जो ट्रेनिंग में रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि पेन आता है, उसके बाद मार्कर है, डस्टर है, ग्लव्स है, ये सारे कुछ आते हैं, टेप्स हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान काम में आते हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड में ट्रेनिंग किया जाता है, जितनी भी थियोरी क्लासेस है सब इसमें ही लिखा के, सिखा के, दिखा के, सब कुछ इसमें ही किया जाता है। और ये टेबल के ऊपर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये मशीन आपको मिल जाता है 4 कलर 1 मशीन, जो बाहर दिखा था वो एज अ सैम्पल था, ये काम को सिखाने के लिए है ट्रेनिंग में। ये यहाँ पे जितने भी मशीन देख रहे हैं वो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे व्यू मिल सके। और ये ट्रेनिंग 4 कलर 1 की मशीन है, और हीट प्रेस यूज़ होता है यहाँ पे, इसलिए हीट प्रेस रखा हुआ है। अगर हम इसी फील्ड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे अपने, तो ये टेबल है जिसपे जो ट्रेनी है वो आके बैठते हैं, सीखते हैं। तो कुछ 5-6 का अरेंजमेंट किया गया है क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में, अदरवाइज हम लोग बहुत सारे क्राउड होते हैं पैंडेमिक के बाद से,
चार से पांच हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं एक ट्रेनिंग सेशन में। और उसके बाद अगर देखते ही ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारा स्क्वीज ही दिख रहा है और स्पेशलिस्ट दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिफरेंट साइजेस का स्क्वीजी है, देख पा रहे हैं आप, छोटा है बड़ा है, ये स्क्वीजीज है। और ये इस पर रखा हुआ है, ये स्क्वीजी होल्डर है, स्क्वीजी होल्डर है। तो क्या देखिए, इतने सारे स्क्वीजी जो है आपको रखने के लिए कोई चिंता नहीं करना है, इजीली ये रख सकते हैं ऊपर एकदम। सबसे ऊपर में स्पेशलिस्ट है, पैलेट नाइफ या फिर इंक नाइफ जो बोलते हैं, ये सब रखा गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा गया है। और यहाँ से जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो आपको एक और हीट प्रेस मिलेगा, जो ये वो सब बाहर जो दिखाया मैंने आपको वॉल में, वो आपको तो सैंपल के हिसाब से है। ये हम लोग इसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। मैंने पहले बताया कि ये जितने सारे मशीन्स देख रहे हैं इस रूम पे, वो सारे के सारे ट्रेनिंग के दौरान यूज़ होते हैं। और ये मशीन है, ये भी हीट प्रेस मशीन है। हीट प्रेस मशीन के बारे में जानना है, इस मशीन के बारे में ह्यूमिडिटी उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिए। और फिर अगर हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये आपको एक टेबल मिलेगा। टेबल के ऊपर जो रखा हुआ है, ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट बहुत ही यूज़फुल चार्ट है, रजिस्ट्रेशन चार्ट है। एक्चुअली जो लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर अवेयर हैं इस चीज़ से, उन लोगों को पता है ये कितना हेल्पफुल होता है स्क्रीन प्रिंटिंग के दौरान। अदरवाइज़ जो नहीं जानते हैं इस चार्ट को यूज़ कैसे करते हैं, उसके बारे में देख लीजिए, एक बार वीडियो दिया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे जो मिलेगा ये मशीन, ये है स्क्रीन स्ट्रेचर। ये बेसिकली स्क्रीन को मेश को फ्रेम पे लगाने के लिए, मतलब स्क्रीन बनाते हैं इससे। नॉर्मली हाथ से ये मैनुअली बहुत मुश्किल होता है, रिंकल्स आते हैं, बहुत सारी दिक्कत आते हैं, ये आपको परफेक्ट एक स्क्रीन बना के देता है ये मशीन, और भी कम से कम समय में। इसका वीडियो भी अपलोड किया गया है, इसका भी लिंक दे देंगे, आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए जिसको डिटेल में जानना हो इस वीडियो के बारे में, इस मशीन के बारे में। तो और अगर हम एकदम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक मशीन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फोर कलर फोर स्टेशन का प्रो मैक्स सीरीज है। प्रो मैक्स ये क्या है कि ये सबसे हाई एंड मशीन है, मतलब कमर्शियल स्पेस के लिए, कमर्शियल बिजनेस के लिए, क्योंकि इस पर आप चढ़ जाइए, कूद जाइए, कुछ भी करिए, ये मशीन थोड़ा सा भी हिलने वाला नहीं है। ये हैवी कमर्शियल मशीन स्पेशली इसको कहा जाता है। प्रो मास्टर इससे थोड़ा सा लाइट वेट होता है, बट वो भी अच्छे है। ये जो है एकदम पूरा हैवी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ही बना गया है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इससे काम कर सके कुछ बिना किसी दिक्कत के। इसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, डिटेल जानना हो तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी इसका वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाए। तो ये सारा मशीन के साथ साथ ये वीडियो हम ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं। और वॉल के आप देख रहे हैं पीछे, ये बड़ा सा लोगो आपको दिख रहा है प्रिंट राइट का, जो कि हम लोगों का ब्रांड लोगो है। पहले भी मैंने देखा एंट्रेंस में, हॉल में, सब जगह लोगो लगा हुआ है हम लोगों का। तो आपको पता चल रहा है कि प्रिंटेड किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होता कि आपको ओवर द कॉल या फिर मेल में जो रिस्पांस जाता है, जिस तरह से सर्व किया जाता है, आपको रिस्पांस किया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी केयर किया जाएगा और केयर किया जाता है। ऐसा कुछ नेगेटिव रिव्यूज हम लोग के अगेंस्ट में आता नहीं है जनरली। और ये ट्रेनिंग रूम में हूँ मैं अभी। ट्रेनिंग रूम के बारे में बता दूँ कि ट्रेनिंग जो हम लोग का होता है, जो ट्रेनर है वो ट्रेन करता है ताकि आप प्रिपेयर रहो नेक्स्ट कंपटीशन मार्केट के लिए, ना कि एक नॉर्मल वे में आप सिखा देंगे, ऐसा नहीं। आपको कंपटीटर बनना है आपके अगेंस्ट में, आपका कंपटीशन मार्केट में आपको उतरना है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करता है ट्रेनर। और लाइफ टाइम का सपोर्ट ट्रेनर आपको देता है, प्रिंटेड आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट देता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ट्रेनर से गाइड लीजिए, सजेशन लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ स्टेप ले सकते हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत हो रहा तो डेफिनेटली हम लोगों के एंड से एक डेडिकेटेड टीम रखा जाता है, ताकि आपको प्रिंटिंग के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। तो ये था एक छोटा सा टूर, ऑफिस टूर था। होप अच्छा लगा होगा ऑफिस टूर आप लोगों का ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आप अपलोड करने वाला हूँ वो है वेयर हाउस का टूर कराऊँगा,
उसका वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो इस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी अपलोड करेंगे उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको मिल जाए। तो जैसे बताया था कि चैनल में जितने भी वीडियोस अपलोड है हम लोगों के मशीन्स के बारे में या फिर कुछ नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सारे शायद सबके लिए ना हो, बट आप इसको शेयर करेंगे तो आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हेल्प हो जाए, चाहे वो प्लान कर रहे हैं या फिर कर रहा हो, कहीं स्टक हो रहा है, कहीं पे रुक रहा है, तो ये सारे चीज़ जो है वो निकल जाएंगे। तो आपका ना हो, आपके द्वारा किसी और का हेल्प हो, ये कोशिश कीजिए ताकि सबका हेल्प हो और सबको एक साथ बढ़ सकें। खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।